हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल ईट गुड फील गुड। आज आप सोच रहे होंगे कि एक खाने के ब्लॉग चैनल में एक डांस आर्टिस्ट कैसे, तो आइए चलिए पूछते हैं उन्हीं से। हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी, योर डांस आर्टिस्ट। और एक डांस आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी हेल्थ और उसकी फिटनेस। और हेल्थ और फिटनेस तभी आपकी बनती है व्हेन यू ईट गुड एंड देन यू फील गुड। तो पल्लवी जी, आप तैयार है राजमा बनाने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ राजमा बनाने के लिए। और जितने एफर्ट से मैं अपने डांस और कोरियोग्राफीज में अपने एफर्ट्स डालती हूँ, मैं उतने ही 100% एफर्ट्स राजमा बनाने के लिए करूंगी और व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। चलो लेट्स सी, चलते हैं सीधे रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रात को ही राजमा भिगा दिया था। 250 ग्राम राजमा मैंने लिया, उसको रात भर भिगा दिया था और अब मैं उसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और उसको मैं बॉईल करूँगी। और जितना राजमा है लगभग उतना ही मैंने पानी लिया, अमाउंट ऑफ वाटर लिया है। अब मैं इस पानी को ऐड करूँगी कुकर में, और ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाला है। और अब मैं इसको प्रेशर कुक होने दूँगी 4 to 5 whistles। अब ये देखिए, राजमा बिल्कुल पक गया है हमारा। और ये आप इसको थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, एक राजमा को आप देख लीजिए, आपका राजमा पूरा देखिए पूरी तरह से बॉयल हो चुका है ये राजमा। ये मसाले लिए हमने इसमें, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरा, और साथ में है हींग, लौंग, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता। अब हम कढ़ाई में तेल मैं डाल रही हूँ। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं तेल को अच्छे से गर्म कर रही हूँ और अब मैंने डाला एक चम्मच जीरा। लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। मैं इसको जस्ट स्टीयर कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, प्याज, लहसुन का पहले से ही भुना हुआ पेस्ट, ये मैंने पहले ही भून के रखा था। अब इसको मैं अच्छे से मसाले को मिक्सअप कर रही हूँ। और ये देखिए, ये अच्छे से मेरा मिक्स हो गया मसाला। अब मैंने डाला हल्दी अच्छे से आप मिलाएं पहले इसमें। और अब डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। ये 3 से 4 टोमेटो का प्यूरी मैंने पहले बना के रखा था, अब मैं ये सारा टोमेटो प्यूरी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और साथ में इसको अच्छे से मसाले को अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें डालिए आप थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। अब आप फिर से इसको पूरा मिक्स करिए। या आप मीडियम फ्लेम में पका सकते हैं इसको, जिससे कि आपका मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाए। अब आप इसमें थोड़ा सा डालिए पानी, थोड़ी ग्रेवी कंसिस्टेंसी करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें। और देखिए, इसको अच्छे से स्टीयर कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला, और क्योंकि राजमा बॉईल होते वक्त मैंने ऑलरेडी नमक डाला था। ये मसाला मेरा बनके तैयार हो गया है और फाइनली हमने ऐड किया मेरा बॉइल्ड राजमा। और अब ये पूरा तैयार, आप अच्छे से इसको स्टीयर करिए, अच्छे से पकाएं। और ये देखिए, ये पक के तैयार है। और हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे क्रश्ड कस्तूरी मेथी, जिससे कि खुशबू इसकी बहुत यमी आ रही है। और ये हमारा फाइनली राजमा बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप चावल के साथ खाएं, आपकी मर्जी, पर राजमा यमी। ओके गाइस, सो हमारे राजमा बनके तैयार हो चुके हैं। पल्लवी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट राजमा बनाए हैं। अभी मैं एक प्लेट राजमा चावल खा के आया हूँ। सो मैंने तो ईट गुड कर लिया, सो नाउ इट्स टाइम टू फील गुड। फील गुड के लिए एंड टू फील गुड, सो डू वॉच माय डांस वीडियोस, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप देखिए मेरे वीडियोस, देखिए और एंजॉय योर लाइफ। हैव अ गुड
हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफस्टाइल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, जब तक रब रखा बाय।